जी अच्छा कल जो हमने हैंड्स फ्री करो, कल जो हमने पढ़ा था वो सारा मैंने आपके सामने नोट कर दिया है कि वहां से हम शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज है जो थोड़ा हमें जिस पे टाइम आज दोबारा देना है वो है जो डिफरेंस है उसकी नेचर। डिफरेंस की नेचर क्या है इसके ऊपर हमें थोड़ा आज टाइम देना है। वर्किंग नंबर 7 और वर्किंग नंबर 8 इसकी मैं रिवीजन करवाने लगा हूं। वो भाई किधर बैठे हैं जो सवाल पूछने आए थे आप? अच्छा जी अकाउंटिंग वालों की बुक्स में फिलहाल एसेट कितने पे नजर आ रहे हैं? 95 पे। तो अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 95। टैक्स वालों की बुक्स में एसेट कितने पे नजर आ रहे हैं? 90 पे। तो टैक्स वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 90। तो फ्यूचर की अगर मैं करंट टैक्स की वर्किंग जहन में लाऊं तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी टैक्स डेप्रिसिएशन से, जिसकी वजह से फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट 5 से बढ़ जाएंगे। इस तरह मैंने कभी दिखाया नहीं था, ऐसे ही दिखा रहा हूं। फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट 5 से बढ़ जाएंगे और फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा तो टैक्सेबल फील करें, इसलिए इसका नाम क्या? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और टैक्सेबल फील करने का मतलब है लाइबिलिटी अपने कंधों पे महसूस करें कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट 5 से ज्यादा होगा तो टैक्स देने के लिए ज्यादा लाइबल फील करेंगे। इस 12 के बारे में मैंने कहा था कि इसकी टैक्स बेस हमेशा जीरो लेनी है क्योंकि टैक्स वालों की नजर में प्रोविजन का अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात, ये 12 टैक्स वाले क्या कभी ये अंदाजा डिडक्ट करने देंगे? कभी 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 टैक्स वाले कभी नहीं अंदाजा डिडक्ट करने देंगे। ये अंदाजा कभी ना कभी फ्यूचर में टैक्स वाले डिडक्ट करने देंगे जब ये कंफर्म हो जाएगा, यानी राइट ऑफ करेंगे हम। तो क्या मैं कह सकता हूं फ्यूचर में ये 12 वाले लोग जब एक्चुअली पैसा लेके भागेंगे तो टैक्स वाले कहेंगे इस खर्चे को माइनस कर लो। करंट टैक्स की वर्किंग जहन में लाएं, माइनस करने से प्रॉफिट कम होंगे। माइनस करना इन इट सेल्फ डिडक्टेबल होता है। तो दिस 12 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर वेन द डेटर विल नस, भागेगा जब, तो इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। और जब डिडक्ट होगा तो प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स सेव होगा। सेविंग का नाम एसेट, इसलिए इसका नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस और इसका नाम डेफर टैक्स एसेट। अच्छा एक बात मैंने होल्ड पे डाल दी थी, वो मेरी नजर में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लॉजिकली बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई है कि हमारे जो चार रूल्स हैं, चार रूल्स उनमें से, यार इधर देखना किधर, क्या सोच रहे हो? देखना इधर थे। अच्छा हमारे जो चार रूल्स हैं उनमें से रूल 1 तो यहां अप्लाई हो रहा है। रूल 1 कैसे यहां अप्लाई हो रहा है? नहीं खोलने की जरूरत नहीं है आपको पेज। वैसे ही जरा रटा भी दिखा रहा हूं, लॉजिक से हटके रटा। ये पीपी एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है एसेट। एसेट की कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ग्रेटर हो तो इसका नाम टीटीडी, जिसके बेटे का नाम। इसलिए यहां हमने टीटीडी लिखा है और यहां हमने डीटीएल लिखा है। ये जो दूसरा वाला अकाउंट, इसके असल में रूल हमने बनाए नहीं हुए, इसलिए ये लॉजिक पे आपको सिचवा दिया है। दूसरे वाले के इसलिए हमने कि दूसरा वाला कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, तो कॉन्ट्रा एसेट के हमने कोई रूल बनाए नहीं हुए, या एसेट के रूल बनाए हुए हैं या लायबिलिटी के रूल बनाए हुए हैं। एसेट के रूल और लायबिलिटी के बनाए हुए हैं। लेकिन अगर खेच तान के एक गलत बात मैं करूं, गलत बात कि ये एसेट का ऑपोजिट अकाउंट है तो लायबिलिटी कह दो, हालांकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी नहीं है, ये डेटर का ऑपोजिट अकाउंट है, लेकिन जबरदस्ती ये गलत बात मैं कर दूं कि प्रोविजन लायबिलिटी अकाउंट है
तो लाइबिलिटी की अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ये लाइबिलिटी अकाउंट नहीं है लेकिन इसकी नेचर क्रेडिट है, तो लाइबिलिटी से मिलता जुलता अकाउंट है लेकिन लाइबिलिटी कभी भी नहीं करना है इसको, ये पैसे लेके भागने का डर है, तो डेटर का ऑपोजिट अकाउंट है ये। लेकिन अगर मैं लाइबिलिटी का रूल फिलहाल इस पे लगाऊं, तो इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन, सो इट इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस विच विल रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स एसेट। तो ये बिल्कुल गलत बात लिखवाने लगा हूं यहां पे, इधर तो रूल वन लग रहे, इधर रूल थ्री मैंने आपको अजीब तरीके से लगा के दिखाया है, जो कि मेरा ख्याल है आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, इसको हमेशा लॉजिक पे ही याद रखें। ये 12 टैक्स वाले कब डिडक्ट करने देंगे? जब कभी एक्चुअली राइट ऑफ होगा, तो इसलिए इसका नाम बस याद रख लें, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और यही बात वर्किंग एट में भी है। ये क्या है? एसेट है, तो रूल वन लगेगा, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज देन इट विल रिजल्ट इन, ये तो मैंने रट्टा बोला, अब लॉजिक क्या है? अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डिप्रिशिएट करेंगे, और टैक्स वाले अकाउंटिंग एफिशिएंट बढ़ेगी 2.5 से, तो फिर टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसके लिए लायबल फील करें। तो टीटीडी के बेटे का नाम डीटीएल, ये 14 रुपए टैक्स वाले कब डिडक्ट करने देंगे? जब कभी एक्चुअली लोग पैसा भागेंगे, तो दिस 14 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर, तो इसका नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और इसका नाम डेफर्ड टैक्स एसेट। अब आप इसके टोटल करवा दें, 7 2.45 4.03। क्या? अच्छा, इसका नाम क्या है 2.45 का? डेफर्ड टैक्स एसेट एज ऑन 31/12/10। इसका नाम है डेफर्ड टैक्स एसेट एज ऑन 31/12/11। अब टी कौन करने के लिए हमें चाहिए डेफर्ड टैक्स एसेट एज ऑन 31/12/9, वो सवाल में अवेलेबल है। ये डेफर्ड टैक्स एसेट एज ऑन 31/12/9 वो 7.44 मिलियन। क्लियर? चलें जी, ये अकाउंट बना लिया था हमने कल, ये ब्रॉड डाउन कहां से आया था डेफर्ड टैक्स एसेट का? क्वेश्चन से। फिर ये 2.45 और 4.03 ये कहां से आया था? 2.45 और 4.03, और उसके बाद ये फिगर भी बैलेंसिंग आ गई थी, ये फिगर भी बैलेंसिंग आ गई थी। तो अब मैं उधर एंट्रीज नहीं लिख रहा जहां कल लिखी थी, मुझे आज 4 एंट्रीज लिखवा दें, 2010 की और 2011 की। आपने तो वैसे लिखी, जी सीटी डेबिट कितना करंट टैक्स था? 10.76। और अगले साल सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट कितना? 14.20.48। ये एंट्री डीटीए क्रेडिट और डीटीई डेबिट, डीटी डेबिट डीटीए क्रेडिट कितने से? 4.99। और अगली एंट्री डीटीए डेबिट और डीटी क्रेडिट, खर्चा क्या हो रहा है? डेबिट। खर्चा क्या हो रहा है? खर्चा क्या हो रहा है? खर्चा क्या हो रहा है? आवाज में उठान सुनी आपने? खर्चा क्या हो रहा है? क्रेडिट। अजीब सी चीज हो रही है ना, खर्चा तो डेबिट नेचर का अकाउंट है लेकिन इधर क्या हो रहा है? क्रेडिट। चलें ये नोट बनाएं, आप बनाएं, हद हो गई है। कंपनी का नाम एप्रिकॉट, क्या आड़ू होता है? एप्रिकॉट लिमिटेड, मिल आजकल अच्छे मिल रहे हैं, बिस्किट की जाए वो ले लिया करें। अच्छा एप्रिकॉट क्या होता है? खुबानी। ओह फिर तो हो जाता मजे की। नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/11। असल में ये तीसरी चौथी क्लास पढ़े हुए काफी अरसा हो गया, इसकी चीजें भूल गई हुई है, 2011 और 10। जी आप बोलें जी क्या लिखे नोट का नाम? टैक्सेशन। नोट नंबर 37 मिसाल के तौर पे टैक्सेशन 37.1 टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स
और डेफर टैक्स। करंट टैक्स 20.48, 10 पॉइंट, इधर पीएनएल में बनाता होता था वो मैं नहीं बना रहा। अच्छा डेफर टैक्स जो है ना, असल में ना इस सवाल में जो वर्किंग्स हैं वो तीन है, असल में तीन वर्किंग्स हैं। एक वर्किंग है इसमें करंट टैक्स की, एक वर्किंग है इसमें डेफर टैक्स एज ऑन की, ये जो दोनों मैंने की है, एक वर्किंग है इसमें डेफर टैक्स एज ऑन की और एक वर्किंग है डेफर टैक्स के टी अकाउंट की। ये तीन वर्किंग्स आपने करनी है और इसी तरतीब से करनी है, पहले करंट टैक्स निकालना है, फिर डेफर टैक्स एज ऑन निकालना है, फिर आपने टी अकाउंट बनाना है। ये जो पीपीई अकाउंट बन रहा है, प्रोविजन फॉर अकाउंट बन रहा है, ये तो सवाल में डेटा अवेलेबल है तो बन रहा है, उसके सवाल में डेटा अवेलेबल ना होता हम ये ना बनाते। तो असल में तीन वर्किंग्स का नाम IS-12 है, करंट टैक्स की वर्किंग, डेफर टैक्स एज ऑन की वर्किंग और डेफर टैक्स का टी अकाउंट। इन तीनों से सारी चीजें मिल जाती हैं। करंट टैक्स मिल गया, डेफर टैक्स खर्चा बुक करने और खर्चा उल्टाना है। खर्चा उल्टाने का मतलब खुशी कराएं कि खर्चा बुक 4.99 और प्लस 1.58 18.9 अंडा 15.7 क्या मतलब 15.75। अच्छा अब क्या बनानी है, 37.2 रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पीबीटी, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पीबीटी विद टैक्स एक्सपेंस, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पीबीटी विद टैक्स एक्सपेंस। तो पीबीटी भी चाहिए मुझे, टैक्स एक्सपेंस भी चाहिए। पीबीटी 60 से 45, इसको सीट बेल्ट बना दें। सवाल में से रोने की आवाजें आ रही हैं, कौन कौन रो रहा है? टैक्स रेट के, टैक्स के सवाल में टैक्स रेट ही नहीं है। 35% PMLN की हुकूमत में हमजा ही नहीं है, रोने की आवाजें आ रही हैं। 35% अच्छा आपका क्या पकड़ना है, कैलकुलेटर पकड़ के सिर्फ आपने पीबीटी पे रेट लगाना है। भाईजन ये जो फिगर मैं आप तीसरी वाली लिखने लगा हूं, ये आपने कहीं से ढूंढनी नहीं है, ये आप लोगों ने कैलकुलेटर पे निकालनी है। 60 ज़रा 35% 20 और 45 ज़रा 35% 15.75। इधर देखें, ओह नहीं, इसका यार इसके साइन तो लगवाने थे ना, दोबारा ट्राई करें। ओह बैक मारा फुर्निस ने, ओह ओके। अच्छा असल में जो डेफर टैक्स है ना वो टेम्परेरी फर्क वाली चीजों को लेता है, डेफर टैक्स परमानेंट डिफरेंस वाली चीजों को नहीं ले पाता। टेम्परेरी डिफरेंस वाली कौन सी चीजें हैं, मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स गेन, टैक्स एक्सेप्शन अकाउंटिंग गेन, इनके पीपीई का डाटा हमने पकड़ा था और यहां डाल दिया था। डेफर टैक्स वर्किंग में पीपीई डाल दिया, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट एक्सपेंस, ये डेफर टैक्स की वर्किंग में हम लेंगे प्रोविजन के नाम से। तो डेफर टैक्स की वर्किंग कैटर कर पाती है सिर्फ उन डिफरेंसेस को जो टेम्परेरी हैं, याद आ रही है क्लास, टेम्परेरी डिफरेंसेस। परमानेंट डिफरेंस ऐसा डिफरेंस होता है जिसको डेफर टैक्स कैरी नहीं कर पाता, यानी डेफर टैक्स के हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो परमानेंट डिफरेंस वाली चीजें हैं वो डेफर टैक्स में जा भी नहीं सकती क्योंकि उन पर डेफर करके भी टैक्स नहीं देना होता। क्या मुझे बता दें 6 की जो एग्जाम 10 का मैं, क्या इस पे मैंने टैक्स आज देना है, डेफर करके देना है? इसलिए डेफर टैक्स की वर्किंग्स जो की हैं मैंने और जितनी भी की हैं वो इस परमानेंट डिफरेंस को कैटर नहीं कर पाती। इसलिए हम यहां पे आके अपनी हार मानेंगे और हम कहेंगे एक चीज की वजह से शायद फर्क आ रहा हो, वो चीज ये है कि हमने अगली बात लॉजिकल ले देता, हमने 60 पे 35% टैक्स लगाया है लेकिन हुकूमत कह रही है मैंने 60 में से 6 पे लेना ही नहीं टैक्स। ये तरह ज्यादा लॉजिकल बात है, मैंने 60 पूरे पे रेट लगा दिया ना 35%, हुकूमत क्या चाह रही थी, मैं 60 पे टैक्स लूं या 6 पे टैक्स ना लूं? अच्छा 60 में से 6 को क्या किया, तो 60 के टैक्स में से 6 का टैक्स माइनस करके देखते हैं, शायद अल्लाह करे रिकॉन्सिलिएशन मैच। अब मैं रिकॉन्सिलिंग आइटम्स डालने लगा, रिकॉन्सिलिंग आइटम्स, रिकॉन्सिलिंग आइटम आया करेगा एग्जेम्प्ट इनकम या डिडक्शन नॉट अलाउड। एग्जेम्प्ट इनकम पकड़ने कितनी है, क्या प्रॉफिट पे रेट लग चुके, तो इसलिए 6 पे भी रेट लगा के देखें, 30
2.1। अच्छा, प्रॉफिट पे टैक्स लगाया था तो क्या 21 रुपए टैक्स देना है हुकूमत को या एग्जेम्प्ट इनकम पे नहीं देना, तो फिर माइनस करेंगे। वैसे तो सदा सी बात यह है कि 60 में से 6 माइनस किया है, तो इधर 60 के टैक्स में से 6 का टैक्स माइनस करके देखें जवाब क्या आ रहा है, 18.90, और इधर तो कुछ है ही नहीं तो 15.75। जबरदस्त हो गया। तो ये हमने पहला रिकंसाइलिंग आइटम डाला है, आप हजरात की खिदमत में पेश है रिकंसाइलिंग आइटम एग्जेम्प्ट इनकम। तो लिखें एग्जेम्प्ट इनकम नोट में रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे आया करेगा, एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड, एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड नोट में रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पर आया करेगा, एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड नोट में रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे आया करेगा। अच्छा, अब मसला ये होगा एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड करना है या लेस रिकंसाइल करते हुए, जैसे अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट होते थे बीआरएस में, किसी को ऐड करते थे किसी को लेस करते थे, तो उसका जवाब तो आसान सा है बिल्कुल कि करंट टैक्स में एग्जेम्प्ट इनकम को क्या करें लेस, तो इधर भी क्या कर दें लेस। और ज्यादा लॉजिकल बात मैंने आपसे बाद में की थी, वो बात क्या की थी, 60 रुपए पे मैंने टैक्स देना है या 6 पे नहीं देना, 60 पे टैक्स निकाल लिया तो 6 पे नहीं देना, वो करके देखें अब हमारी रिकंसिलिएशन क्या कर रही है, मैच कर रही है। ओके, किनको? ठीक है, इट्स अप टू यू। वो अगर आपके जहन में कुछ आ रहा है तो क्लास के बाद में से शेयर कर लो, मैं इसी तरह चलाऊंगा। अच्छा, अब बजाय के इस सवाल की जान लें एक और सवाल करते हैं जो इसी जैसा है, ताकि जरा बस प्रैक्टिस हो जाए, आज कल फिर कोई नया कॉन्सेप्ट करेंगे, तो आज हम कोई कॉन्सेप्ट ऐड नहीं करेंगे। पेज 540। अच्छा, ये एक पास पेपर का सवाल है, लेकिन इसमें से मैंने एक दो एडजस्टमेंट्स उड़ाई हुई हैं ताकि जरा बेसिक लेवल की हमारी अभी रिवीजन हो जाए। फॉलोइंग आर द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम, अच्छा मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, इस सवाल में भी करंट टैक्स की वर्किंग होगी, डेफर टैक्स एज ऑन की वर्किंग होगी, इस सवाल के अंदर डेफर टैक्स का टी अकाउंट बनेगा, बाकी कोई अकाउंट बनाने वाले तो सवाल हमें बताएगा। फॉलोइंग आर द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फ्लोर एंड टाइल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2015। कोई भी ऐसी चीज जो नहीं आई ना फौरन मुझे रोक दीजिएगा। प्रॉफिट कितना है जी? शुक्र है एक साल का सवाल है, दो साल का नहीं है। प्रॉफिट 80। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी 40। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जी? 18। ये क्या है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर? प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का अकाउंट अगर तुम्हें भूला हो तो मुझे याद है वो जरा जरा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंट, बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी हम बनाना बनाएंगे। साल के शुरू में हमारा अंदाजा था, मिसाल दे रहा हूं, साल के शुरू में हमारा अंदाजा था कि रिटायरिंग एम्प्लॉयज को 100 रुपए देने पड़ेंगे, इस साल कुछ और एम्प्लॉयज ने नौकरी में ज्वाइन किया, अगला भी, अच्छा ठीक है की वजह से इशू आ रहा है, तो आगे पीछे बैठ जाइएगा, डायरेक्ट जहां आ रही हो वो वाला ऐसे नहीं चलेगा अभी। अच्छा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी कितना आ गया जी? ब्रॉट डाउन 100। हमारा अंदाजा क्या है? 100 लेकर भागेंगे नहीं, मैं जूता उतार के भागूंगा इसका। अच्छा, एम्प्लॉयज अगर रिटायर होते हैं तो मुझे 100 रुपया देना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी के बीडी का यह मतलब है। कुछ और एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया और ये मैंने बताया था लाइबिलिटी टाइप अकाउंट है, कुछ और एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया, हमने सोचा वो भी अगर रिटायर हो जाए तो उन्हें भी 30 रुपए देने पड़ेंगे, और कुछ छोड़ के चले गए, हमें जाने वाले को हमने पैसे दे दिए जो छोड़ के चले गए, और कुछ ने इंशाल्लाह अभी हमें छोड़ के जाना है, वो बैलेंसिंग कितना आ गया? 80। अच्छा, अगर आप कहें कि ये मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से मिलता जुलता अकाउंट लग रहा है तो मुझे कोई इतना बड़ा इतराज नहीं होगा, ठीक है आप कह सकते हैं ये मिलता जुलता अकाउंट है, लेकिन ये लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है। अब कहीं नहीं, मुझे फिर भी मिलता जुलता लग रहा है क्योंकि उसमें भी बीडी इधर आता है, उसमें भी सीडी इधर आता है, तो मुझे इस बात पर एतराज नहीं। और अगर आप कि मुझे उससे मिलता जुलता अकाउंट लग रहा है क्योंकि उसमें बैड डेट एक्सपेंस या P&L की फिगर जो है वो इधर नजर आती है, इसमें भी इधर नजर आती है, तो मुझे इस बात पे भी आपके कोई एतराज नहीं। और अगर आप मुझे ये कहें कि अकाउंटिंग वाले खर्चे में ये टैक्स वाले कहेंगे नहीं खर्चे में डाल, जैसे कि वहां बैड डेट रिटर्न ऑफ आता था, तो मुझे आपकी इस बात पे भी
राजनी। तो अगर आप इसको प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अकाउंट को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जैसा कह सकते हैं तो वो आपकी मर्जी है। इसकी ट्रीटमेंट 100% सेम है, 100% सेम है। कैसे सेम है? कल बेटेड एक्सपेंस को हमने उल्टाया था और रिटर्न ऑफ को माइनस किया था, आज इस 30 को उल्टाएंगे और 50 को माइनस करेंगे। कल हमने कैरिंग अमाउंट 80 ली थी अकाउंटिंग वालों की नजर में, और मैंने आपको बताया था ये अकाउंट बनता ही अकाउंटिंग वालों की नजर में है। कैरिंग अमाउंट 80 ली थी, लेकिन टैक्स वालों की नजर में पेबल्स एग्जिस्ट नहीं करते ग्रेचुटी के। टैक्स वाले अंदाजे नहीं लगाते कितने लोग छोड़ के जाएंगे, इसलिए इसकी टीबी आज भी जीरो लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कल टीबी जीरो ली थी, आज इसकी टीबी भी जीरो लेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 100% ट्रीटमेंट मिलती जुलती है, लेकिन वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है और ये लाइबिलिटी अकाउंट है। तो ये फिगर्स मैंने अपनी तरफ से अज्यूम की थी, जो सवाल में ढूंढ रहा था उसकी अजमत को सलाम। अच्छा, इसका नाम क्या रखा, इसका नाम क्या कहा था कल मैंने, एज ऑन। और इस बालू का नाम क्या रखा था, एज ऑन। और इसका ग्रेचुटी एक्सपेंस फॉर द ईयर या ग्रेचुटी फॉर द ईयर, और इसका ग्रेचुटी पेड फॉर द ईयर। इसके साथ पेड का लफ्ज लिखा होगा 50 के साथ, और 30 के साथ ग्रेचुटी का लफ्ज लिखा होगा फॉर द ईयर या ग्रेचुटी एक्सपेंस का लफ्ज लिखा होगा। हो सकता है इसके साथ ग्रेचुटी फॉर द ईयर का लफ्ज भी लिख दे, लेकिन ग्रेचुटी पेड के साथ एग्जैक्ट पेड का लफ्ज आ रहा होगा। ये क्या चीज है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर 12 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, फॉर द ईयर है ये, इस 30 टाइप कोई चीज है। तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर, जैसे कल था बैडेड एक्सपेंस फॉर द ईयर, कैपिटल गेन इनकम एग्जेम्प्ट है, कल की तरह माइनस कर देंगे। पेनल्टी टू गवर्नमेंट ड्यू टू नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, ये पहले दिन सवाल में की थी हमने, पेनल्टी के साथ लिख लें डिडक्शन नॉट अलाउड। और मुझे डर है कि जब एंड पे नोट बनना है ना, तो ये जो दो मैंने सबज में हाईलाइट किए हैं इन्होंने फटा डालना है। ना सिर्फ एग्जेम्प्ट इनकम फटा डालेगी, क्योंकि ना इसमें हमने टैक्स जिंदगी में कभी देना है, ना इस साल देना है, और ये एक रुपया ना इस साल माइनस करने देंगे टैक्स वाले, ना आइंदा कभी माइनस करने देंगे टैक्स वाले। लेकिन एक बार याद रखिएगा, अकाउंटिंग वालों ने इस 5 रुपए को इनकम में डाला है, अकाउंटिंग वालों ने इस 1 रुपए को खर्चे में डाला है, वो हम जरूर उल्टाएंगे, लेकिन टैक्स वाले इस 5 को इनकम में नहीं डालने देंगे और इस 1 को खर्चे में, ना इस साल ना डेफर करके आगे कभी। कल ओपनिंग बैलेंसेस सवाल के एंड पे दिए हुए थे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है वो ये बात कि ओपनिंग बैलेंसेस सवाल के एंड पे दिए हुए थे, आज ओपनिंग बैलेंसेस सवाल के स्टार्ट में दे दिए। ओपनिंग बैलेंस डीटीएल का, शुक्र है हमें चाहिए, डीटीएल है ओपनिंग, डीटीए है ओपनिंग, डीटीएल है ओपनिंग, और प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का भी ओपनिंग चाहिए। कल प्रोविजन फॉर डीडी का ओपनिंग दिया हुआ था, आज प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का। ओए होए, ओपनिंग बैलेंसेज होते ही एज ऑन है, ओपनिंग बैलेंसेज होते ही, माना कि यहां एज ऑन का लफ्ज कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ओपनिंग बैलेंस अपने अंदर ही एज ऑन का लफ्ज समोए हुए है, देखने वाली आंख होनी चाहिए। पॉइंट टू बताएं क्या है, पॉइंट टू, यार ये पीपीई का अकाउंट है, बनाने तो बना ले, नहीं बनाना तो कोई जरूरत नहीं, बना बनाया अकाउंट है स्टेटमेंट फॉर्म में। ये बीडी है, अकाउंटिंग वालों की ओपनिंग बीबी है, ये अकाउंटिंग वालों की क्लोजिंग बीबी है, तो टैक्स वालों ने कहा हमारी भी तो बीबी है, ये टैक्स वालों की ओपनिंग बीबी हो गई और ये टैक्स वालों की क्लोजिंग बीबी हो गई, ठीक है। ये अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन है और ये भालू टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन है। एडिशंस की कॉस्ट दोनों की बराबर क्यों है, कैश में तो इख्तलाफ नहीं आता ना, पैसे देके एसेट खरीदा है, तो ये एसेट अकाउंट है जो हमने कल वर्किंग में बनाया था, आज इसको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बनी हुई चीज को क्या बनाना। ओके, लीज तो मैंने आपको करवा दिया था, लीज करवाया था 100-100 रुपए के रेंटल थे, और मैंने कहा था इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पता नहीं क्या ऐड करेंगे और रेंटल को लेस करेंगे, इस तरह की कोई वर्किंग करवाई थी आपको। तो ये लीज है, सवाल तो मुक गया, अब क्या करेंगे इतना टाइम, चलें एंड पे को टाइम बच गया तो गप्पे मार लेंगे, टेस्ट डिस्कस करने वाला कुछ भी नहीं है उसमें। ऑन यकम जनवरी 15 नहीं कुछ भी नहीं है, मशीन चलो कर लेंगे, ऑन यकम जनवरी 15 मशीन कॉस्टिंग 120 मिलियन वाज एक्वायर्ड ऑन, बाबाजान हम लेसी हैं, लेस हो रहे हैं, एक्वायर्ड ऑन लीज हम लेसी हैं। ये जो कॉस्ट या फेयर वैल्यू होती है ना, ये लेसी ने इग्नोर करनी होती है, इसकी जगह आप दीवाना वार कैलकुलेट करेंगे, नहीं बीवी नहीं, हर जगह पीवी, यहां पीवी कैलकुलेट करेंगे, बीवी का भी एडवांस वर्जन है। सम ऑफ द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोस, अच्छा जिनको किसी को ऐसी बात बुरी लगती है ना, वो एक कान से सुन के दूसरे में निकाल दिया करें, कुछ असल में हंस भी लेते हैं इस वजह से, तो चलता रहता है हल्का फुल्का, हर बात किसी को अच्छी लगती भी नहीं, और कुछ लोग बहुत ही माइंड कर जाते हैं, छोड़ा परे करें, कान से निकाल दिया करें। द लीज टर्म वाज 5 इयर्स एंड यूजफुल लाइफ इज 6 इयर्स, एनुअल रेंटल अमाउंटिंग टू ₹30 मिलियन आर पेएबल इन एडवांस, इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 12.59%। मुझे बता दें लेसी जो है वो इम्प्लिसिट रेट यूज करेगा बिल्कुल, और अगर लेसी को इम्प्लिसिट रेट ना पता हो तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करेगा। कल मैंने वो लीज की समरी अपलोड कर दी है, कितने लोगों ने देख ली थी, ओके तूने भी नहीं देखी,
जिसने करवाई थी अपलोड, यार खुदा का खौफ है, आपने कहना चाहिए था मुझे। अच्छा आप बता दें जी, जरा सोच के, कि पांचवें साल के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है, क्या पांचवें साल के एंड पे मुफ्त में एसेट मिल सकता है, क्या पांच को डिवाइड करें छह से तो जवाब 75% से। ये जो ज्यादा और कम बोल रहे हैं, मैं दीवाना बना रहा था और आप बन गए भैया। ये है ही नहीं लेसर का सवाल, ये तो किसका सवाल है, लेसी का। आप वापस आ जाएं जरा दीवाने सारे, पहली बात बताएं क्या ये लो वैल्यू एसेट है? नहीं, 120 मिलियन की मशीन कहां लो वैल्यू एसेट है। दूसरा सवाल मेरा, क्या ये शॉर्ट स्पेशल कहां से आ गया, नशा से आया इसको। अच्छा, क्या ये शॉर्ट टर्म लीज है, क्या ये साल से कम है? नहीं, तो जब ये दोनों नहीं है तो ये सादा तरीके से ट्रीट होगी, तो इधर आरओयू भी बुक होगा और लीज लायबिलिटी भी बुक होगी। एक बहस इंपॉर्टेंट है, वो है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की बहस लेसी के लिए करने के लिए आपको याद होगा कि नॉर्मल तरीके में जो लेसी है वो डेप्रिशिएट करते हुए अपने से सवाल पूछता है। वो सवाल क्या पूछता है, अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, वो सवाल पूछता है लेसी, पेज नंबर 64 पे, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो फिर डेप्रिशिएट करना है यूजफुल लाइफ पे, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी पांचवें साल के एंड पे तो फिर शॉर्टर ऑफ लीज टर्म है। और मैंने ये भी लिखवाया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो एज्यूम करेंगे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी। तो बताएं पांचवें साल के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। इस वजह से आपकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, इट मींस के शॉर्टर ऑफ लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। तो पांच साल पे डेप्रिशिएट करेगा, छह साल पे डेप्रिशिएट करेगा, पांच साल पे डेप्रिशिएट करेगा। क्लियर? इसकी तो वर्किंग कर लेंगे एलपीपीवी ऑफ एलपी में सूर्य जमाना वर्किंग। पॉइंट नंबर 4, द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेड टू आउटगोइंग मेंबर्स वाज 10। किसको गले लगाएं? 10 को नहीं, पेड को। किसको? 10 तो हर सवाल में नहीं आएगा ना, पेड तो हर सवाल में आएगा, को अकल गाया करें। तो ग्रेच्युटी पेड कितनी है? 10। तो ये पेमेंट वाली फिगर भी आ गई, बीडी भी दिया हुआ था शायद, एक्सपेंस भी दिया हुआ है। ये एक्सपेंस कैसे है? इसके साथ फॉर द ये लिखा हुआ है भालू, तो ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस भी आ गया, बीडी भी आ गया, सब कुछ आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ें लाइन बकरे को ज़िबा कर। जो लोग बड़ी ईद के करीब ये लेक्चर ले रहे हैं वो निहायत ही बड़े और अजीम इंसान हैं। वालदा ने कहा मैं बर्तन धो रही हूं बेटा, आप रेस्ट करें। जी अम्मी, इधर आओ, ये देखो। अब अगर अम्मी ऐसा कह दें तो जवाब तो नहीं दोगे ना, और अगर बेगम कहते बर्तन धोने का ओके। वर्किंग वन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हाथ बटाते थे वैसे, आजकल शोहर साहब जो है वो कुर्सी पे चढ़ के बैठे होते हैं आराम से ऑर्डर पास कर रहे होते हैं, अल्लाह ही हदायत दे। करंट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलेंगे कि छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी में ना, कभी हेल्प करेंगी, इनको नोट करते रहा कर। तू समझ रहा होता है मैं मजाक कर रहा हूं, ये अभी तो उस फेज में नहीं आया ना, इस वजह से इनको इजी ले रहा है, तो फिर तो ये आर्टिकल में किसी ने बतानी भी नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यही मौका है थोड़ा सा इसको अवेल कर लो जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80 मिलियन। रुपीज इन मिलियन, वो बंदा आइडेंटिफाई करके दें जिसने पहला सफा खाली छोड़े बगैर वर्किंग वन शुरू कर दिया। पहला सफा तो सवाल की रिक्वायरमेंट के लिए छोड़ दिया ना, जो नोट बनाने हैं। वेल डन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये पहला सफा छोड़ा हुआ है 80। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर कितनी होगी जी? 12। इसका नाम है साथ, आपको जरा अकाउंट बना के दे देता हूं ताकि जरा अभी बात खत्म हो जाए साथ ही। कंट्रोल एन, बल्कि जी मोहतरम, वर्किंग नंबर 2, कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर
ग्रेचुटी जी भाईजान, व्हाट इज प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर 12? नहीं तो तरतीब से चलें सवाल में जिस तरह आ रहा है। 12 ये आ गया। ये मैं ना स्काई ब्लू हाइलाइटर यूज कर रहा हूं, वो देखते रहिएगा। जी चलें छोड़ें, अभी वो यूज नहीं हो पा रहा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर बोलें कितनी है? 12। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी 15 मिलियन। ब्रॉट डाउन 15.4। ग्रेचुटी पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 10 मिलियन। कैश कितना पे हुआ? 10। कैरी डाउन 17। आप मुझे बता दें क्या रिकॉर्ड करके क्या उल्टाऊं, क्या उल्टाना है और क्या रिकॉर्ड करना है। आईएफआरएस वालों ने इसको खर्चे में डाला है, टैक्स वाले कहेंगे भाईजान इसको खर्चे में डालो। ये मेरी करंट टैक्स की डिस्कशन हो रही है, डेफर टैक्स की। डेफर टैक्स में मैं 17 को लिफ्ट कराऊंगा, लेकिन अभी लिफ्ट ना कराएं, ज्यादा फ्री हो जाएगा। तो खर्चे को उल्टा दें और पेमेंट को रिकॉर्ड कर दें। एड लेस ग्रेचुटी एक्सपेंस 12 और ग्रेचुटी पेड 10। अंदाजे को उल्टा दिया, पेमेंट को लेस कर दिया, लेकिन ये अजीब सा फर्क है। ओके वापस आ जाए। एग्जेम्प्ट इनकम कितनी है? 5। इनकम को अकाउंटिंग वालों ने ऐड किया होगा, इसको क्या कर दें? लेस कर दें। किस मार्कर से? ब्लू से। ब्लू मार्कर से इसलिए कि इसने एंड में जाके फड्डा नहीं फड्डे डालने हैं। कैपिटल गेन इनकम, टाइम में से जाया हो रहा है, चलें खैर रिवीजन हो जाएगी। एग्जेम्प्ट इनकम कितनी जी? 5। इनकम को उल्टा दिया, ये कभी इनकम में ऐड नहीं होगा, नेवर टैक्सेबल, इसलिए कोई डेफर टैक्स का सोचना ही नहीं इस पर। कभी टैक्स ना आज, ना आज टैक्स देना, ना इधर कभी टैक्स देना। पेनल्टी टू गवर्नमेंट, पेनल्टी प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए खर्चा होने की वजह से क्या हो चुकी होगी? याद रखिएगा पीबीटी से ऊपर भी एक कहानी होती है, सेल वगैरह और खर्चे वगैरह आए होते हैं। तो पीबीटी तक पहुंचते हुए खर्चा क्या हो गया होगा? लेस। खर्चे को क्या कर दें? ऐड कर दें। लेकिन यह खर्चा भी नेवर अलाउड टाइप चीज है, तो इसलिए इसने भी एंड पे फड्डा डालना है। ग्रेचुटी में तो ये होता है ना, अभी माइनस ना कर लो, पेमेंट में माइनस कर देना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ये होता है, अभी माइनस ना करो, जब लेके भागेगा माइनस कर देना। डेप्रिसिएशन में ये होता है, इस तरह डिप्रिशिएट ना करो, उस तरह डिप्रिशिएट कर लो। लेकिन पेनल्टी में तो ये हो रहा है, अभी भी खर्चा नहीं है, कभी भी खर्चा नहीं है, अभी भी खर्चा नहीं है, कभी भी खर्चा, अभी भी खर्चा नहीं है, कभी भी खर्चा नहीं है। 1, इतनी मेहनत के बाद 1 लिखवाना आपने मुझे, अच्छा ठीक है। तो दिस डिडक्शन इज नेवर अलाउड भालू। जी किनके वाली डेप्रिसिएशन उल्टा दें और किनके वाली डेप्रिसिएशन डाल दें? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा दें और टैक्स वाले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दें। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टाएं और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें। ये इजी मार्क्स। ओके अच्छा, ये लीज में क्या करना था? अगले सफे पे दिया हुआ है, कमाल है यार। लीज अगले सफे पे नजर भी आ रहा है आपको, बल्कि अगले सफे पे हमने रिवाइज कर लेते हैं। लीज में क्या करना था? लीज में मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाना है और रेंटल माइनस करना है। याद आ रहा है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उल्टाना है और रेंटल क्या करना है? माइनस करना है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट आपको निकालना आता है, उसके लिए कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। वर्किंग नंबर कौन सी? 3। वर्किंग नंबर 3, एलपी बोलें, LP
वक्त खत्म हुआ, वक्त खत्म हुआ, घंटी बज गई, सॉरी। थर्टी थर्टी कितने साल की लीज है? 5 साल की लीज है। अरे तुझे लीज भूला हुआ रे, साथ वाले को कहे 13 × 5 कितना हो गया? 150। अब निकालें पीवी ऑफ एलपी, 30 × 30 × 1 − 1.12 raised to power 125 raised to power − 4, क्योंकि कितने 30 बचे? 4 30 बचे। पीवी बता दें, इत्तफाकन फेयर वैल्यू के बराबर आ गई है, लेकिन इसकी को टेंशन नहीं लेनी आपने। अब क्या शुरू करें? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल साहब, इंटरेस्ट बाजी और बैलेंस प्रिजर्व। चलें जी, यकम जनवरी 2015, पीवी पीवी आती है, यहां बीवी आती है, जल्दी बताएं, यहां पीवी आएगी, बीवी आएगी, पीवी आएगी, 120। यकम जनवरी 15, भाई लेक्चर 33 ले लिया तूने बालू, रिवाइज कर ली एक दफा। अच्छा, यकम जनवरी 15 बोले जी, इंस्टॉलमेंट 30, प्रिंसिपल 30, इंटरेस्ट 0। शायद आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है कि 0 दिन का इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट 0, सारा का सारा प्रिंसिपल। कैलकुलेटर पे 120 − 30, 90 जवानी भी आ गया। डन। आगे क्या करें? यकम जनवरी 16, यकम जनवरी 16 को अगली किस्त पे करें 30 की, 90 = 12.59 11.3। अच्छा, सोल्यूशन में जाके देखें 11 है या 11.33 है, ताकि सोल्यूशन से जरा हमारा कंसिस्टेंट हो जाए। 11 में भी कोई मसला नहीं, 11.33 में भी कोई मसला नहीं, 11.3 में भी कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी आप पेपर में लिख के आए, सोल्यूशन नहीं है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ऊपर देखें 11 11। अच्छा, सवाल में कहीं पॉइंट्स हैं? मैं जरा देख लूं, कहीं और पॉइंट्स हैं सवाल में? हैं, 283.5 5.30 और हैं पॉइंट्स, मैं भी पॉइंट्स ले लेता हूं। 11.3 कर लें, चलें 3 कर लें, खैर है, 18.67 ही होगा, फिर 18.7 आएगा, 70 1.3। अगले सालों का आप लोग शेड्यूल बना लें शो पूरा करने के लिए, जिनको चस्का है 0 लाने का, तो वो क्लास के बाद जाके फिर ये काम करें, कम से कम मेरे पास तो टाइम नहीं, मेरा जो डाटा है वो हो गया सारा। टेस्ट चेक करते हुए अगर किसी टीए ने ये लिख दिया था कि शेड्यूल पूरा बनाना है, मेरा नहीं लिखा होगा, लिख दिया था तो माजरत मेरी तरफ से। अच्छा भाई, अब मोहतरम, अगला काम हमने क्या करना है? अगला काम हमने ये करना है कि जरा सोचना है कि अकाउंटिंग वालों के P&L में क्या जाएगा। ये मैं सिर्फ आपके समझने के लिए P&L बना रहा हूं, ये पेपर में बनाने नहीं बैठ जाना उधर। पेपर 31/12/15 अकाउंटिंग वाले 31/12/15 में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना डालेंगे और डेप्रिसिएशन कितनी डालेंगे, आपको पता है 31/12/15 क्या? अच्छा, मुझे ये बता दें, ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है? ये 11.3, 1 साल का, कब से कब तक का? आपको मैंने बारहा बताया हुआ है, कई दफा बताया हुआ है कि ये इंटरेस्ट होता है इन इन इस अरसे का, तो इसके दरमियान जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, किस कैलेंडर वाले आ रहे हैं? 15 के कैलेंडर वाले आ रहे हैं, तो ये 15 का इंटरेस्ट 16 के पहले दिन पे हो रहा है, तो खर्चा किस साल का है? 15 का। तो 15 के साल का इंटरेस्ट 11.3, डेप्रिसिएशन 120 / 5 साल 24। ये P&L अकाउंटिंग वालों का मैंने बनाया है सिर्फ आपको तंग करने के लिए, छेड़ने के लिए, ये सवाल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। अब आप मुझे बता दें, 15 के साल में टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे 15 में पे की गई इंस्टॉलमेंट, क्योंकि टैक्स वाले पेमेंट बेस पे चलते हैं, उनको एक रूल नहीं आती। टैक्स वाले कहेंगे, यार ये सारी अकाउंटिंग को पकड़ो और पकड़ के उल्टा दो, ये दोनों खर्चे हैं, ये दोनों खर्चे हैं, खर्चों को उल्टाएंगे और 15 की जितनी भी किस्तें हैं, 15 में जितनी भी किस्तें पे हो रही हैं, चाहे डाउन पेमेंट क्यों ना हो, चाहे रेंटल ही क्यों ना हो, चाहे 2 दफा रेंटल पे हो रहा हो, सेमी एनुअल का सवाल हो, 15 की किस्तों को सर्कल लगवाएं। मुझे यह याद है कि जिस वक्त मैंने वो बनवाया था आपको, तो मैंने कहा था जब टैक्स वालों की नजर से सोचना है आपने, तो टैक्स वालों की नजर से आपने जो है वो ऐसे सोचना है कि टैक्स वाले प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस के चक्कर में नहीं पड़ते, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं 15 के साल की पेमेंट बताओ कितनी है, सिर्फ वो कितनी है, और उनको कोई अक्रूवल अकाउंटिंग में नहीं आती है और किसी चक्कर में नहीं पड़ते, बस 15 के कैलेंडर में जितने पैसे आपकी जेब से गए, पैसे जाने को कहते हैं खोया,
खोया, पैसे जाने को क्या कहते हैं, कितना खोया, खोता नहीं, कितना खोया आपने, 30। इसको खर्चे के तौर पे मैं बुक करूंगा और इन दोनों को उलटा दूंगा। एसेट ओन्ड भी होते हैं और लीज भी होते हैं। ओन्ड में क्या उलटाते हैं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, और क्या रिकॉर्ड करते हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन। और लीज एसेट में जो पीएनएल में क्या उलटा देने, अकाउंटिंग वाले पीएनएल में क्या लेके जाते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। ये मैंने डैश लगाया, माइनस नहीं लगाया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन उलटाते हैं। और रिकॉर्ड क्या करते हैं, असल में टैक्स वाले ना मानते ही नहीं कि लीज एसेट एसेट भी है या नहीं। टैक्स वाले समझते हैं कि लीज क्या है, सिर्फ बोले 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 रेंट एग्रीमेंट है। तो टैक्स वाले इसको सिर्फ रेंट एग्रीमेंट समझते हैं, इसलिए दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। और दोनों की ट्रीटमेंट लकीली आज के सवाल में आ गई है। थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को उल्टा के माइनस क्या किया, टैक्स डेप्रिसिएशन। अब मैं क्या उल्टाने लगाऊं, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन कौन सा वाला, जो अगर पीएनएल बनता तो उसमें जो जाता, पीएनएल बनाना हमने लीज में सीखा हुआ है, वो यहां रिवाइज नहीं कर सकते हम, जो पीएनएल में जाता वो उल्टा दें, और रेंट जो एक्चुअली पे हुआ 15 के कैलेंडर में उसे क्या कर दें, रिकॉर्ड कर दें। अब बता दें इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन कितनी है जो उल्टानी है, 11.24। लीज्ड वालों की उल्टाएं और लीज वालों का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी उल्टाएं 11.3। और मैंने आपको कहा ये वर्किंग नंबर कौन सी है, मोडिफिकेशन शेड्यूल कौन कहां है, वर्किंग 3 है ना मोडिफिकेशन शेड्यूल। और ये 24 आप पेपर में निकाल दीजिएगा, आपको कहीं और निकालने की जरूरत नहीं, यही निकाल दीजिएगा, 120 डिवाइडेड बाय 5। इन दोनों को उल्टा दिया, उल्टा के क्या माइनस करूं, रेंट तक कितना। तो जो मैं कहना चाह रहा था वो जरा देखें, ये कौन से एसेट्स हैं, ये कौन से एसेट्स हैं, ओन्ड, और ये, और ये कौन से हैं, लीज्ड। लीज में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उलटाएंगे, पीएनएल में जो गई हुई है, और रेंटल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही रखो कैमरा, हाँ जी, वो तो बैलेंस शीट में आएगा ना, अभी बैलेंस शीट की मैं बात करूंगा जब डेफिट एक्सी वर्किंग खुलेगी। मैं सिर्फ ये पीएनएल में आप बता दो इंटरेस्ट एक्सपेंस जाने, पेड है या पेबल को छोड़ो अभी, इंटरेस्ट एक्सपेंस जाने पीएनएल में, हाँ पीएनएल में जा चुका है, बिल्कुल जा चुका है। अकाउंटिंग वाली सारी फिगर्स प्रॉफिट तक पहुंचते हुए रिकॉर्ड हो चुकी होती है, हमने सिर्फ उनको उठाना होता है। चलो जी इधर ले आओ, ये किसी ने नोट करना है तो। ओके देखें जी, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, 15 में रेंट कितना पे हुआ, मैं 16 वाला तो उठाया ही नहीं, 15 में रेंट कितना पे हुआ, 30, बस वो मैंने 16 में कितना माइनस होगा, नीचे वाला 30। पीएनएल कैसे बनाने, जैसे पहले बनाते थे बॉस, पीएनएल कैसे बनाने, जैसे पहले बनाते थे, पीएनएल वाली फिगर्स को उल्टा देना है, और रेंटल पेड कहां से ढूंढने, अब अकल लगानी बंद, 15 के कैलेंडर में जो पैसे जेब से गए वो बता दें कितने, बस ओके। अब आप मुझे ये बता दें, सवाल में कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई, नहीं सारी होगी, द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेड एप्लीकेबल टैक्स विले यार आज तो। अब हमने क्या निकालना है, वर्किंग वन में ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद डेफर टैक्स एज ऑन टाइप वाली वर्किंग कर लेंगे, और इन द एंड फिर डेफर टैक्स का टीवन बना लेंगे। जी 53। साल कौन सा है, 2015 का साल है। अच्छा मुझे ये बताएं, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 2014 का कितना है, चलो कम से कम याद आ गया कि अगर आता 14 का लॉस तो यहां पे माइनस होता,
इसका नाम नहीं, टैक्सेबल इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम लगता है आप लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ है, टैक्सेबल इनकम नहीं, टैक्सेबल प्रॉफिट। और अब इसके ऊपर टैक्स निकालते हैं एट द रेट ऑफ बत्ती 17.1। एंट्री 17.1 की सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। तो ये पहली आईएस 12 की एंट्री हुई, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेबल क्रेडिट। कट बॉल पॉइंट मुझू। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 4। एक वर्किंग करनी है डीटीएल देगी या दो वर्किंग करनी है? सवाल एक साल का, दो साल का? एक साल का। आप कितनी देर के लिए बाहर तशरीफ लेके गए थे? एक मिनट के लिए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/15। एक मेरे ख्याल से, पता नहीं लायबिलिटी भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है, एक मेरे ख्याल से अब्दुल्ला नाम के स्टूडेंट है ऑनलाइन में, और माशाल्लाह मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि टेस्ट के अंदर ये बताते हैं ये चीज इस तरह है, इस तरह मैंने की थी तो इसका ये मतलब है, तो ये ऐसे चेक होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे मार्क्स ऐसे क्यों कटे, और ये तो ये टेस्ट देते हैं तो फिर डिस्कशन होती है ना, तो टेस्ट दे ही ना जो शहजादा, तो उसको क्या पता कि इसमें क्या हो रहा है और दुनिया। अच्छा जी, वर्किंग 4 मुस्करा के देखने साथ वाले को, फिर हम आगे चलते हैं। शायद के साथ वाले के दिल में उतर जाए आपकी आंखों का इशारा। अच्छा जी, डिफरेंस और टैक्स एट द रेट ऑफ 32%। चलें जी शुरू से पकड़ें और बता दें सवाल क्या चीजें हैं। भाईजान पीपीई होगा सवाल में, पीपीई होगा आइए 16 वाला। अच्छा, इसके बाद मुझे बताएं सवाल के अंदर प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी होगा। अच्छा, और सवाल के अंदर जो है वो आर ओ यू लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेबल होगा या आर ओ यू और लीज लाइबिलिटी होगी? आर ओ यू और लीज लाइबिलिटी होगी या आर ओ यू लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेबल भी होगा? बैलेंस शीट सोचें यार, ये कुछ भी नहीं है। आप अगर जिंदगी में अकेले बैठ के सोचें तो यहां तक ये अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट होती है। इधर ना देखें, अंदर अंदर देखें दोनों हाथों के, ये अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट है। पीपी आर ओ यू लीज लाइबिलिटी इंटरेस्ट पेबल प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बला बला, तो ये अकाउंटिंग वालों की क्या बनती है? तो ये अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट है, कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग एल्स। एंड ये टैक्स वालों की बैलेंस शीट। इधर पी एंड एल की चीजें आती हैं, देखें ये बात बार बार घर में कोई नहीं बताएगा, ये इधर पी एंड एल की चीजें आती हैं, इधर किसकी चीजें आती हैं? इधर अकाउंटिंग वालों की, इधर टैक्स वालों की। इस बीबी और इस बीबी में कभी कभी डिफरेंस आ जाता। ओके, अब मुझे बता दें जी, पीपी ओन्ड, आर ओ यू वाले नहीं, ओन्ड। आज बीवियां गिवन है, वी आर वेरी लकी, 300.3 और 238.80। 300.238.8। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, इसका कैरी डाउन देखना पड़ेगा जाके टी अकाउंट में। जी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का कैरी डाउन 17। प्रोविजन अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करते टैक्स वालों की नजर में। हमारे सिलेबस में 3 प्रोविजन अकाउंट आईएस 12 में टेस्ट होते हैं, बल्कि एक और भी होगा शायद, 3 अकाउंट टेस्ट होते हैं। एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कॉन्ट्रा एसेट नेचर का अकाउंट है। एक होता है एम्प्लॉई छोड़ के जाने के वक्त हम लायबल फील करेंगे उसे, इसको प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का अकाउंट कहेंगे। और एक होगा प्रोविजन फॉर वारंटी का अकाउंट, कि हम मोबाइल बेच देंगे और हमें लग रहा होगा कि कुछ लोग मोबाइल सही करवाने आएंगे, लेकिन पता नहीं होगा एग्जैक्ट कितने सही करवाने आएंगे। तो ये 3 लाइबिलिटीज, बल्कि 2 लाइबिलिटीज हैं, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी और प्रोविजन फॉर वारंटी, और एक जो है वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। तो हम लाइबल फील कर रहे हैं कि 17 देने पड़ेंगे, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं इट इज डिडक्टेबल व्हेन एवर पेड। तो क्या ये 17 कभी भी छोड़ के जाएंगे तो टैक्स वाले तब खर्चा माइनस करने देंगे? तो फिलहाल बताएं, टैक्स वालों की नजर में प्रोविजन का अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एंड प्रोविजन फॉर वारंटी विल ऑलवेज हैव अ टैक्स बेस ऑफ 0। इनको कभी भी टीबी नहीं होगा, विल ऑलवेज हैव अ टैक्स बेस ऑफ 0। ये जरा सफे के ऊपर लिखे, जो दो लाइनें लगी होती है ना उसके ऊपर जो जगह होती है जहां अपना नाम लिखते हैं खूबसूरत करके, वहां लिख लें प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर वारंटी विल ऑलवेज हैव अ टीबी ऑफ 0। ये टैक्स वालों की बैलेंस शीट में नहीं जाते।
ये हमेशा रूल सेम होगा इसलिए मैंने ऑलवेज लिखवाया। सही कह ना तूने, तो आपको जो बात समझ गई आपने बताई, मैंने आपको कंफर्म कर दिया क्योंकि मेरा आपका थोड़ा सा चलता है मजाक ना। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। अच्छा ये सवाल आप कभी ना पूछा करें, अभी और भी क्लासों में बच्चे पूछने लगे हैं। पेपर में कैसे करना है? पेपर में भी इसी तरह करनी है वर्किंग्स, यानी पेपरों के लिए अलग क्लास नहीं होनी। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, हाँ बस ये कर दीजिएगा, इसको UITY भी लिख दीजिएगा पेपर में, और इसको कैरिंग अमाउंट लिखिएगा, इसे टैक्स बेस लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, पूरा 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 पूरा। अच्छा नहीं वर्किंग, ये नहीं नहीं, इसको कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस पूरा लिखिएगा। अच्छा आप मुझे ये बता दें कि तीसरी चीज क्या है, राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी। क्या कभी क्लास में हमने लीज में 31, 12, 15 पे खड़े होकर बैलेंस शीट बनाने की कोशिश की है लीज के सवाल में, एडवांस वालों सवालों में? तो ये सवाल मेरे ख्याल से लीज की तीसरी या दूसरी क्लास में हो गया था। पहली क्लास में एरिया वाला सवाल किया था, दूसरी में भी एरिया वाला, तीसरी में जाके हमने एडवांस वाले सवाल शुरू कर दिए थे। तो लीज का अगर लेक्चर 3 या 4 आप, तो मुझे पहले ना अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बनवा दें। टैक्स वालों की बैलेंस शीट की डिस्कशन मैं आपसे बाद में करूंगा, क्योंकि वो तो IAS 12 के एतबार से डिस्कशन होगी। फिलहाल मुझे अपना यहां पे IFRS 16 का कॉन्सेप्ट करवा दें। ROU और लीज, यार इसको करंट नॉन करंट में अलग अलग नहीं करेंगे, बस दोनों जमा, करंट जमा नॉन करंट। हम कौन सी बैलेंस शीट प्रॉपर बना रहे हैं? तो हम तो बैलेंस शीट जैसी फिगर्स ढूंढना चाह रहे हैं, तो करंट नॉन करंट के चक्कर में नहीं डालना, आपने करंट नॉन करंट के चक्कर में नहीं पड़ना। और साथ क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट पेबल। चलें जी, अब आप मुझे बताएं कैरिंग अमाउंट। अभी एक साल हुए लीज पे लिए, इसलिए डेप्रिशिएट 1 साल होगा। डेप्रिसिएशन कितनी है? 24। और कॉस्ट 120 माइनस 96। ये ROU आ गया एज ऑन 31, 12, 15 की बैलेंस शीट में। लीज लायबिलिटी, करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन करवा देता हूं मैं, लेकिन उन दोनों को मैं जमा करके इकट्ठे ही लिखवा दूंगा। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेम भाई ने एक तजर्बा हुआ है मेरा पास का, उसकी वजह से ऐसा करने लगा हूं। अच्छा आप एक चीज सोचने लगे थे, आपने सही सोची है वो। अच्छा बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। 2-3 बंदे इधर आएं, लाइन लगवाएं जरा। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। लग गई। ये क्या है? करंट। और ये मुझे पता है इनका टोटल 90 ही आता है, मुझे पता है इनका टोटल 90 आता है। लेकिन क्लास के अंदर एक मोहतरम पठान भाई थे एक दफा, और बड़े अच्छे और लाइक बच्चे थे, उन्होंने पास भी कर लिया। तो उन्होंने ये कहा, मैं पहले कहता था ये लाइन के ऊपर वाला 90 उठा लो, तो उन्होंने ये कहा कि भाईजान आप लीज के अंदर आप बता रहा होता है कि हम जो है वो नीचे वाली फिगरें उठाएगा, और IAS 12 में आप बता रहे ऊपर वाली फिगरें उठाएगा, आप एक बात करो, या नीचे वाला उठाओ या ऊपर वाली फिगरें। अब आप मुझे बता दें, तो इसलिए फिर तब जब से उन भाई ने ये सवाल पूछे तब से मैं 90 को लिफ्ट नहीं कराता, जिस तरह IFRS 16 पढ़ा हुआ है उसी पे रहता हूं। करंट पोर्शन कितने और नॉन करंट, इन दोनों को जमा करके लीज लायबिलिटी निकाल लें। 18.71 ये करंट पोर्शन हो गया, ये टोटल 90। ओके आप बता दें जी, इंटरेस्ट पेएबल नहीं आएगा अगर 31, 12, 15 को किस्त पे हो जाए, लेकिन 31, 12, 15 को किस्त पे नहीं हो रही, किस्त अगले साल पे हो रही है, तो क्या इंटरेस्ट पेएबल के लिए लाइन की जरूरत है? नहीं। इंटरेस्ट पेएबल के लिए हमने कहा था, ऐसा सोचा करेंगे कि 31, 12, 15 पे खड़े होकर 31, 12, 15 का इंटरेस्ट पे हो गया या अगले साल पे हुआ। ये बिल्कुल उसी तरह है, दिसंबर का बिल 5-6 जनवरी को जाके आप अपने कदमों पे जमा करवाएं, तो इसी बुनियाद पर दिसंबर 15 तक का इंटरेस्ट दिसंबर 15 की बजाय अगले साल पे हुआ, इसलिए हमारे साल के एंड पे ये क्या है? पेएबल। कितना? 11.3। डन। ये तो सारा लीज का पड़ा हुआ था। टैक्स वालों की बैलेंस शीट में ये तीनों चीजें नहीं जाती। अगर आपके पास थोड़ा सा वेला टाइम है, 5-7 मिनट, तो इसकी लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। वैसे टाइम ही जाया होना है, लेकिन कोई नहीं, कर लेते हैं। टैक्स वाले बैलेंस शीट में ये तीनों चीजें नहीं जाती, क्योंकि टैक्स वाले एसेट को एसेट नहीं मानते, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी नहीं मानते, बल्कि लीज को लीज ही नहीं मानते। टैक्स वाले कहते हैं ये रेंट एग्रीमेंट है। अकाउंटिंग वाले आपको पता है दीवाने होते हैं,
बात की तह तक चले जाते हैं, अकाउंटिंग वाले बात की तह तक जाते हैं। अकाउंटिंग वाले कहते हैं यकम जनवरी 15 को, टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, अकाउंटिंग वाले कहते हैं यकम जनवरी 15 को पीवी कितनी थी, 120। आरओयू डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से, 30 से, और 31/12/15 को इंटरेस्ट पे नहीं करना, बुक करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पे 11.3 और 31/12/15 को डिप्रिसिएशन डेबिट अकामो लेते डिप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 24 से। ये किनकी सोच है, ये किनकी सोच है, अकाउंटिंग वालों की। ये किनकी सोच है, अकाउंटिंग वालों की। ये किताब इधर फिरते रहेंगे आप, पेपर में एंट्रीज बाहर आती रहेंगी। ये किनकी सोच है, अकाउंटिंग वालों की। टैक्स वालों ने आके इनको मारी घूरी और घूरी मार के कहा बताओ क्या पे किया। अकाउंटिंग वालों ने कहा पे किया हमने 30। तो टैक्स वालों ने कहा मड़ा हम तो एंट्री करेगा रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तूने जो करना है कर जा। ये किसने एंट्री की, टैक्स वालों ने। तो टैक्स वालों की जर्नल एंट्रीज तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो सिर्फ सोच है एक। टैक्स वाले ने क्या एंट्री करो बस रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हमने थोड़ी देर के लिए कहा, हमने कहा असी पागल, हमने इधर आके कहा असी पागल हैं, तुसी नोट मचाई दी है, असी दीवाना हो गए एंट्रियां कर करके शेड्यूल बना बनो के। तुसी पूछया यू पीपल आस्क्ड हाउ मच यू पेड, वी सेड वी पेड 30, सो यू पीपल सेड पोस्ट इट इन रेंट अकाउंट, वी सेड वी आर मैड देन, हम पागल हैं। तो बहरहाल इस एंट्री से मुझे राइट ऑफ यूज की वैल्यू ढूंढ के दें, जीरो यहां लिख दिया मैंने जीरो। ये सारी एंट्रीज करने के बाद लीज लाइबिलिटी का बैलेंस बताएं कितना आ रहा है, जीरो। ये सारी एंट्रीज करने के बाद इंटरेस्ट पेएबल का बैलेंस कितना आ रहा है, आज उतरेगा जूता। इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट नहीं खोला, इंटरेस्ट पेएबल कितना आ रहा है, जीरो। तो ये वजह है कि टैक्स वाले आरओयू लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेबल अकाउंट ही नहीं खोलते, बल्कि लेकिन इन द एंड ना सारे सालों के एंड पे जितना टैक्स वालों ने खर्चे में डाला होता है, मैंने आपको साबित किया था एक दिन, उतना ही अकाउंटिंग वाले भी खर्चे में डाल देते हैं, वो ओवर द ईयर्स इनका डिफरेंस मैच हो जाता है। तो इसलिए बड़ा बड़ा करके आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ वाले की किताब पर एक पेज बना हुआ है। हो ये ठंडी आहें ना भरा करें। अच्छा पेज नंबर 271, पेज 271 लेसी में कैसे कैसे चीजों को लेके चलना है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन क्या कर देनी है और रेंटल पेड लेस, तो क्या आ जाएंगे, ये करंट टैक्स की वर्किंग है। डेफर टैक्स में क्या करना है, आरओयू आएगा, पेज नंबर मैं तो आ देता हूं 271, आरओ 271 आरओयू आएगा, लीज लाइबिलिटी आएगी, इंटरेस्ट पेबल और टीबी इनकी, और आपके लिए इनको सर्कल लगा के लिख लो हमेशा। अच्छा जी, तो हमेशा टैक्स बेस कितनी आएगी तीनों की, बोले जीरो आएगा। अच्छा मुझे याद आया हम पे सवाल कर रहे थे, ये वाला था, तो वापस आ जाएं इसमें। अच्छा जी, आज मैं सबसे पहले तो पसंद करूंगा रट्टा, सबसे पहले रट्टा पसंद करेंगे और डिसाइड कर लेते हैं ये टीटीडीज हैं या डीटीडीज हैं, फिर उसके बाद 5-10 मिनट लगा लेंगे, लॉजिक्स भी डिस्कस कर लेंगे। ये एसेट अकाउंट है, एक्सेलेंट। ये लाइबिलिटी अकाउंट है, एक्सेलेंट, अपने आप को कह रहा हूं। ये एसेट अकाउंट है, एक्सेलेंट। ये लाइबिलिटी अकाउंट है, एक्सेलेंट। ये लाइबिलिटी अकाउंट है, वेरी गुड। तो एसेट और लाइबिलिटी आ गए।
अच्छा अब दाल जरा बनाने आपने, दाल 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 दाल, देर इज नो निहारी, टुडे ऑल इज दाल, यानी ग्रेटर का साइन आ गया ना, ग्रेटर का साइन आ गया। तो दो मेरी एसेट हैं, तीन मेरी लाइबिलिटीज हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, दो मेरे एसेट हैं, दो मेरे, तीन मेरी, और अकाउंटिंग वालों की सबकी बीवियां टैक्स वालों की बीवियों की बनिस्बत आसमानों पे पहुंची हुई हैं, यानी ज्यादा हैं। तो अब जरा रूल देख लेते हैं कौन से लगने हैं, रूल देख लेते हैं कौन से लगने हैं, बताएं जी रूल कौन से लगने हैं, बालू रूल कौन से लगने हैं। If carrying amount of asset is greater than tax base of asset, it is TTD. Yes, 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 yes. You exceed this, you exceed this. So, it is TTD. And so, it is TTD. अच्छा, ये आसान है, ये आप लोग निकलवा दें, ये जरा डिफरेंस मैं निकाल लेता हूं। 17 कहां से आ गया? वो तो लायाबिलिटी है, दो मेरे एसेट हैं, तीन मेरी लायाबिलिटी हैं। तो अभी पहले एसेट को लेके चलो, तर तीब, लायाबिलिटी, लायबिलिटी में मेरे ख्याल से लायबिलिटी की भी कैरिंग अमाउंट ज्यादा आ रही है टैक्स बेस से। तो रूल नंबर 3, इट इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो ये लायबिलिटीज तीनों ज्यादा हैं टैक्स बेस से, तो रटा प्रोग्राम पहले लगाते हैं, डिडक्टेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस। ये मैं खुद कोशिश करता हूँ, ये 17 आ जाएगा डिफरेंस इनका, इनका डिफरेंस मेरे ख्याल से 90 तक आ जाएगा कोई, इनका को कितना आ जाएगा तकरीबन 11.3। देखें कि टीचर कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर के बाहर। अच्छा, अब मोहतरम लॉजिक के ऊपर बात करते हैं, आपके साथ वाले के कीमती 5 मिनट चाहिए। आपने देखा नहीं क्या हुआ, बताता हूं। आप हंस रहे होते, इसे समझ नहीं आता। अच्छा, अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 300। थोड़ा राउंड कर लिया करें जिंदगी में। अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 300। टैक्स वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 238। तो फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले ज्यादा डेप्रिशिएट करेंगे। जब ज्यादा डेप्रिशिएट करेंगे अकाउंटिंग वाले, तो डेप्रिशिएट करने की वजह से फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्सेबल फील करें, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अकाउंट ईज वाले एसेट को फ्यूचर में कितना, 24 रुपए तो अभी डेप्रिशिएट कर दिए ना, तो फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 96। टैक्स वाले डेप्रिसिएशन को मान ही नहीं रहे, तो टैक्स वाले तो डेप्रिशिएट करेंगे ही नहीं, तो टैक्स वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? आंडा। ये डेप्रिशिएट करेंगे 96 और ये डेप्रिशिएट करेंगे आंडा, तो 96 आंडे से कहीं ज्यादा है, 96 आंडे से कहीं ज्यादा है। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा होने की वजह से फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो टैक्स फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा, तो टैक्सेबल फील करें। ओके, अगली बात, जिन मुलाजमीन के बारे में हमने अंदाजा लगाया कि हमें छोड़ के जाएंगे, वो कभी ना कभी तो छोड़ के जाएंगे ना, तो जब कभी छोड़ के जाएंगे तब टैक्स वाले भी 17 को खर्चे में डालने देंगे ग्रेच्युटी पेड के नाम से। अगर नहीं यकीन आ रहा तो फिर यहां देख लें, क्या अगले साल ये वाले 17 अगर मैं कहूं छोड़ के चले गए हमें, तो बीडी 17 था, अगले साल कैश 17 आ जाएगा, तो तब टैक्स वाले इसको माइनस करने देंगे फिर। तो दिस 17 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर व्हेन वी विल मेक अ पेमेंट, तो इसलिए इस 17 का नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अगली बात, लीज लाइबिलिटी जब पे होगी इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो टैक्स वाले कहेंगे इंस्टॉलमेंट माइनस कर लो, लाइबिलिटी पे होनी है ना अगले सालों में। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी पे होती है फ्यूचर में, व्हेन द लाइबिलिटी विल बी पेड इट विल बी कॉल्ड एज रेंटल और इंस्टॉलमेंट। तो जब ये पे होगी तो तब रेंटल के नाम से माइनस हो जाएगी, तो इट इज ऑल्सो डिडक्टेबल इन। और इंटरेस्ट अगर पेएबल है तो पे तो होगा, लेकिन आपको पता है रेंटल में ही डल के पे होता है, उसी का तो हिस्सा होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पेएबल और ग्रेच्युटी पेएबल और लीज लाइबिलिटी पेएबल, ये तीनों जब पेएबल पे होंगे तो पे होते ही टैक्स वाले इनको क्या करने देंगे? डिडक्ट। तो इसलिए इन तीनों को क्या कहेंगे? डिडक्टेबल इन फ्यूचर। आई हेयर बाय रिपीट, लीज लाइबिलिटी एंड इंटरेस्ट पेएबल। लीज लाइबिलिटी अगले साल जब कभी पे हो हमें क्या, लीज लाइबिलिटी पे होगी, किस नाम से पे होगी? इंस्टॉलमेंट में पड़ी होने की वजह से पे होगी, तो वो रेंटल के नाम से टैक्स वाले माइनस करने देंगे। और इंटरेस्ट पेएबल भी कभी ना कभी तो पे होगा, जब कभी पे होगा तो इंस्टॉलमेंट के अंदर डल के ही पे होगा, तो इट इज
पेबल इन फ्यूचर मींस इट विल बी पेड इन फ्यूचर. तो जब पे होगा तो पे होने की वजह से टैक्स वाले से क्या करने देंगे, इसलिए इन दोनों का नाम. लेकिन वो आसान बात भी कर लेते हैं, ये दोनों एसेट थे और ग्रेटर का साइन. तो टीटीडीज ये तीनों लाइबिलिटीज थी और ग्रेटर का साइन था तो टीटीडीज. अभी इनके बेटों की जरूरत नहीं, नेट बाप नेट कैलकुलेट कर लेते हैं टीटीडी है या डीटीडी है, फिर उसके बाद देख लेंगे बेटा टीटीडी की बरादरी से है या डीटीडी की बरादरी से है. जब रेंटल रेंटल पूरा जितना भी रेंट पे कर रहे होगे आप उसे माइनस नहीं करोगे, एग्जैक्ट जो रेंट की अमाउंट होगी. यार इस तरह ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप सोचना चाह रहे हैं ज्यादा तो 30 इस साल माइनस हो गया. और यार 30 इस साल माइनस हो गया है, जब अगले साल इंटरेस्ट पेएबल पे होगा तो इसी 30 का पार्ट बन के पे होगा ना. तो जब ये 30 पे होगा इसमें हम सोच लो ये इंटरेस्ट भी शामिल ही होगा, तो जब ये पे होगा तो ये 30 अगले साल माइनस कर लेंगे, तो ये 30 डिडक्टेबल इन फ्यूचर है. ओके अच्छा टीटीडीज ज्यादा, जरा आज इस तरह बोले जिस तरह मैं बोल रहा हूं, टीटीडीज ज्यादा आ रही है, जीडीडीज ज्यादा आ रहे हैं, टीटीडीज ज्यादा आ रहे हैं. तो टीटीडीज कितने हैं, 61.5 और 96, और डीडीडीज कितने हैं, 17, 90 और 11.3. इसका टोटल करें और इसका टोटल करें, इन दोनों के टोटल मुझे बताएं, 157.5. ये पेपर में करना कोई नहीं, मैं आपके लिए आज कर रहा हूं, 11.3. ठीक है, उस गांव से 157 भी आए हैं, एक बच्चा भी लाए हैं. ये 118 बंदे उस गांव से आए हैं और एक छोटा सा बच्चा भी लाए हैं. अब ये आपस में गने पकड़ लेंगे पानी वाली, एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे, तो कितने बच जाएंगे जिन पे पानी नहीं गिरेगा, मतलब कितने बच जाएंगे जिन पे, 39.2. तो कौन से गांव वाले बचे, कौन से गांव वाले अल्लाह को प्यारे हो गए, डीटीडी. तो टीटीडी इसको पकड़ लें. हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज बिजनेस के कुछ ऐसे हैं कि हमें फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. टीटीडी का मतलब ये है ना कि हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज नेट करके कुछ ऐसे नतीजे पे पहुंचे कि फ्यूचर में हमें टैक्स देना पड़ेगा. तो टीटीडी बताएं, 39.2, टीटीडी 12.5, इसका नाम डीटीएल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन 31/12/15. अब मेरा पास्ट का तजर्बा है कि टी काउंट और नोट अप टिल रिकॉन्सिलिएशन 70-80% बच्चे बिल्कुल करा लेते हैं, रिकॉन्सिलिएशन भी उनकी मैच कर जाती है, सब हो जाता है. अब आप टी काउंट भी खुद बनाएंगे और नोट रिकॉन्सिलिएशन के आखिरी फिक्रे तक मैच कराने तक सारा खुद बनाएंगे. नोट का बीडी सवाल में दिया हुआ है, 5.4. जी क्वेश्चन उधर है, मैं आ रहा हूं. ऐसा करो पॉज कर दो, आप लोग बनाएं पहले. जी आई होप ऑनलाइन वालों ने भी वीडियो पॉज करके बना लिया होगा, 5 मिनट की इनको ब्रेक दी थी. अच्छा डेफर टैक्स का टी काउंट वर्किंग नंबर 5. ये जरूरी नहीं कि ब्रॉड डाउन लाइबिलिटी हो और कैरी डाउन भी लाइबिलिटी हो, ब्रॉड डाउन लाइबिलिटी हो सकती है, कैरी डाउन एसेट भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बहरहाल सवाल का ब्रॉड डाउन देखते हैं क्या है. पॉइंट वन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीटीएल इज 5.28, यकम जनवरी 15, ब्रॉड डाउन 5.28, 31/12/15 कैरी डाउन, वर्किंग नंबर 4 12.5. अब हमने बैलेंसिंग निकालना है डीटीई, बैलेंसिंग 7.22, डेट इज बैलेंसिंग. अब जो जनरल एंट्रीज होनी है वो हमारी दो हैं, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट 17.1. 31/12/15 को ये एंट्री होनी है, 31/12/15 को ये एंट्री होगी डीटीएल क्रेडिट और डेबिट, डीटीएल क्रेडिट और डीटी डेबिट. तो डीटीई डेबिट डीटीएल 7.2. अच्छा अब आप जो आखिर में बैठे हुए हैं, एंट्रीज करने के बाद हम क्या करते हैं आप बताएंगे. हाँ जी
नोट बनाते हैं, नहीं एंट्रीज करने के बाद हम क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? कौन बोल रहा है? ओ यार कमाल कर दिया तने, जबरदस्त। टीई डेबिट एंड टीई, तो जब टीई डेबिट टीई डेबिट तो दोनों खर्चा, तो दोनों खर्चा तो नोट के मुंह पे दोनों नेगेटिव। अब मुंह पे नेगेटिव अजीब सा लगता है लेकिन कोई मसला नहीं, अब दोनों खर्चा तो दोनों नेगेटिव। टीई डेबिट टीई डेबिट मतलब मींस ये खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है। ये कंपनी का नाम फ्लोर एंड टाइल, नोट टू दी फॉर ईयर एंडेड 31/12/15। कल एक जगह पे आईकैप के काउंसिल मेंबर आए हुए थे, उन्होंने एक सजेशन दी, पता नहीं है आईकैप तो इसको माने ना माने, उन्होंने ये कहा कि इंडिया के अंदर पेपर जो है वो हिंदी जबान में भी देने के ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा जी आप बताएं इधर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात कर रहा हूँ, आप बताएं इधर, बैलेंस शीट तख्ता तवाजुन, अच्छा नो 37 टी अकाउंट, खाता खोलो 37, जल्दी जल्दी जल्दी, इंग्लिश में ठीक है उर्दू में ठीक है, अच्छा 37 टैक्सेशन 2015 रुपीज इन मिलियन। अच्छा जी टैक्स एक्सपेंस कंप्राइजेज ऑफ करंट टैक्स एक्सपेंस एंड डेफर टैक्स एक्सपेंस। अच्छा डेफर टैक्स एक्सपेंस का मतलब ये नहीं होता कि एक्सपेंस है तो नेगेटिव ही होगा, एक्सपेंस ऑपोजिट भी हो सकता है जी। 1 7.22 24.32 37.1 tax expense, 37.2 reconciliation of PBT, पहले PBT लाएंगे फिर मैच करवाएंगे इस वाले tax से। PBT को हाजिर किया जाए, इसको सीट बेल्ट पहना दी जाए, रोने की आवाज सुनी जाए, रोते को बुलाया जाए, 32% कैलकुलेटर को जगाया जाए, 80 पे बत्ती लगाएं, 25.6 कुछ आ रहा है या 0.6 आ रहा है, 0.6 आ रहा है। ओह गाइस ओह हर गा सॉरी गाइस अफसोस की बात है कि नोट टैली नहीं हुआ, लेकिन यहां तक अगर सवाल के 20 नंबर हैं तो हो सकता है आपको 18 मार्क्स यहां तक मिल जाएं। अब वो चीजें जो नोट में व्हाइट बोर्ड पे नीली नजर आ रही हैं, पेपर में काली बॉलपेन में काली नजर आएंगी, वो चीजें जो व्हाइट बोर्ड पे नीली नजर आ रही हैं उनके साथ वही सलूक करें जो आपने करंट टैक्स की वर्किंग में किया है। ऐसा खर्चा जो टैक्स वाले कभी माइनस ना करने दें और ऐसी इनकम जिसको टैक्स वाले कभी इनकम में ना डालें। इन दोनों की वजह से नोट रिकनसाइल नहीं कर रहा होगा, हमने 80 पे 32 लगा दिया है हालांकि 80 में 5 पड़ा हुआ था जिसको माइनस करना चाहिए था और 80 में 1 माइनस हुआ हुआ था। अब वही वाले सलूक कर लें जो उधर किए हैं, डिडक्शन नॉट अलाउड। अब अगर डिडक्शन नॉट अलाउड है तो उस 1 को नहीं उठाना क्योंकि 80 पे भी टैक्स लग चुका है तो 1 का भी टैक्स उठाना है। ठीक है हैट्रिक नहीं हुई, किसी और से बात करो मैं, 1 into 32% दैट कम्स टू 0.32 एग्जेम्प्ट इनकम। 80 पे रेट लग गया हालांकि इसमें पड़े हुए एग्जेम्प्ट इनकम पे रेट नहीं लगना चाहिए था। 5 into 30 1.24.32 ओ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नोट जो है वो टैली कर गया माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप पे तो आप इधर आए, हाँ इस सवाल के सॉल्यूशन को ऐसे दिखाएं जैसे शादियों पे वरी दिखाई जाती है, इधर से आए ये आप पे ऊपर है कैसे स्टार्ट करें, पहले आपने सूट दिखाने हैं या जेवर दिखाने हैं ये आपकी मर्जी है, ऐसे ना करें। ये सबसे पहले इसकी वर्किंग बनाएंगे, हाँ
तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टार्ट करेगी, जैसे आपको पता सर ने बताया हुआ आगे आगे तो ये टैक्स एक्सपेंस निकलेगा 17.1 आगे चलो उसके बाद वर्किंग नंबर 4 सर 2 का 2-3 वक्त की जरूरत होगी उसके बाद यहां से डेफिनेट टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे एज ऑन इधर ठीक है वो निकल आई 5 उसके बाद हम नोट बनाएंगे इसके बाद टी अकाउंट बनाएंगे एंट्रीज कौन सी व्हाइट बोर्ड की तरह मुंह करके पढ़ा रहे होते हैं मुंह उधर का डेफर टैक्स एज ऑन की वर्किंग करेंगे दोबारा करवा दो अच्छा और आगे बोलो आगे नहीं नोट तुझे नोट की चढ़ी हुई है डेफर टैक्स डेफर टैक्स की वर्किंग के बाद क्या करेंगे ये टी अकाउंट बनाएंगे वर्किंग फाइल में टी अकाउंट बनाएंगे अगर खर्चा इधर आया तो इधर दिखेगा और भाईजान इधर आया तो नेगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव इसके बाद क्या बनाएंगे नोट अगर नोट टैली ना कर रहा हुआ तो रिकंसिलिएशन बनाएंगे नहीं रिकंसिलिएशन तो बनानी है रिकंसिलिएशन बना के पता चलेगा टैली करा या नहीं करा अगर नोट टैली ना कर रहा हुआ तो वर्किंग फाइल से देखेंगे कहां-कहां पे डिडक्शन अलाउड की वो ने ऐड किए या नहीं किए और फिर उनको माइनस करेंगे और टैली हो जाएगा और डिडक्शन नॉट अलाउड के अलावा भी कुछ देखेंगे एग्जेम्पशंस तो उसको डिडक्शन नॉट अलाउड को क्या करेंगे इधर इधर उसमें से डिडक्ट करेंगे डिडक्शन नॉट अलाउड को क्या करेंगे क्या लगा के प्लस का साइन है रेट लगा के और प्लस का साइन ऐड करेंगे चला मत को सलाम चला तो होमवर्क है आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 ज़ियारत कर लें इसकी नहीं बच्चे की जान नहीं ली आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय बच्चा और इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है ये फिल बदी इंटरव्यू था इसका तो ये फॉर्म में जाएगा तो पार्टनर को क्या टफ अच्छा तो ये इंटरव्यू की आपने जो तैयारी इधर से करना शुरू करनी है अब आप कह रहे हैं मैं कल से इधर ही बैठूंगा क्वेश्चन नंबर 8 328 किताब FAR 2 मार्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ठीक है हमसे रोजानी बन रहा है ये केमिकल बना लेते हैं अच्छा जुलाई 2008 किताब बंद करने वालों से अल्लाह पूछे जुलाई 2008 इट ऑब्टेन्ड अ मोटर व्हीकल ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक डिटेल्स ऑफ द लीज आर एज फॉलोज ये हिलजुल जरा बंद करें कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल 16 लाख इंस्टॉलमेंट ऑफ 4,80,000 टू बी पेड इन एनुअली इन एडवांस लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ इज 4 and 5 साल द इंटरेस्ट रेट टू पे इन द लीज इज 13.701 हाउएवर द टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ ओनली पेमेंट एज डिडक्शन क्या मतलब टैक्स अथॉरिटीज ओनली अलाउ पेमेंट एज डिडक्शन टैक्स अथॉरिटीज ओनली अलाउ पेमेंट एज डिडक्शन टैक्स अथॉरिटीज ओनली अलाउ पेमेंट एज डिडक्शन फ्रॉम द टैक्सेबल यानी टैक्सेबल प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये पेमेंट्स को एज ए डिडक्शन पेमेंट्स का मतलब लिखे इंस्टॉलमेंट्स अच्छा अब पेपर में पता कैसे चलेगा ये लीज का सवाल है या ISTL का सवाल है नहीं टैक्स रेट दिया होगा रिक्वायरमेंट तो जनरल एंट्रीज होगी ना उससे कैसे पता चलेगा कौन सा स्टैंडर्ड है तो आज तक लीज के सवाल में टैक्स रेट दिया हुआ था नहीं तो आज के सवाल में क्या दिया हुआ है टैक्स रेट दिया हुआ है और एक और चीज भी दी होगी प्रॉफिट्स भी दिए होंगे क्योंकि आपने करंट टैक्स की वर्किंग भी करनी है तो ML's अकाउंटिंग प्रॉफिट ये दो लाइनें नहीं आई हैं अगर ये दो लाइनें ना आती तो इस लीज के सवाल को मैं लीज के चैप्टर में ही होमवर्क में दे देता अभी ये दो लाइनें नहीं है देयर आर नो टेम्परेरी डिफरेंसेस अदर देन एविडेंट फ्रॉम इन्फॉर्मेशन अबव इसके अलावा हमारे और टैक्स वालों में कोई डिफरेंस नहीं सिवाय किसके लीज डेसर्ट के प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मार्स टू रिकॉर्ड द अबव इंक्लूडिंग करंट एंड एफर्ट तो भाईजन वो कह रहे हैं IFRS 16 वाली एंट्रीज भी करनी है और IS 12 वाली एंट्रीज भी करनी है प्रिपेयर एंट्रीज IFRS 16 वाली तो करनी है ना RO, डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट वो सारी तो 12 नंबर का सवाल है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मार्स टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग करंट एंड डेफर्ड टैक्स कहते हैं साथ साथ करंट और डेफर्ड की एंट्रियां भी करो तो इसके साथ फिर कौन सी करनी है जो इनको इंक्लूड करवा रहा है बीच में तो लीज वाली एंट्रीज भी करनी है और करंट और डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज भी करनी है 12 नंबर का सवाल है कितने मिनट में होगा 18 मिनट में होगा 2 घंटे में होगा वाइफर मारे हैं Oh.
पेज 477 किताब का ना निकालें क्योंकि किताबें आपने अंदर रख दी हैं। तो क्वेश्चन 5 पढ़ के मुझे बता दें कि मसला क्या है, और खुदा के लिए ये ना पूछिएगा टॉपिक कौन सा है। आतिफ नहीं, आतिफ होता था, उसने सीए कर लिया है। आतिफ इज अ सीए एंड हैज बीन वर्किंग एज मैनेजर अकाउंट्स इन एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी MNZ। तो आतिफ को नौकरी मिल गई है मैनेजर की, तो मैनेजर अकाउंट्स के तौर पे ये नौकरी कर रहे हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2016, आतिफ जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा था P&L बैलेंस शीट, तो इसको एक कीड़े ने कहा, सीएफओ ने बुलाया आतिफ इधर, हु इज ऑल्सो सीए। आतिफ को बुला के था, पुत्र मैं भी सीए हूं, तेरा बाप हूं मैं, यानी तेरे मैं भी सीए हूं। इन्फॉर्म्ड आतिफ, आतिफ को ये बताया कि जो हमारे डायरेक्टर है ना, जिन्होंने हमें नौकरियां दी हुई हैं, वो कुछ सोच रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में ना लिस्टिंग करवा लेते हैं अपनी। तो आतिफ ने कहा, यस सर इट्स गुड, नाइस, अच्छी बात है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लें, क्योंकि मुझे पता है हम अनलिस्टेड हैं। अच्छा जी, आगे चलें। कॉन्सिक्वेंटली नतीजा तन, अच्छा किसकी किससे मीटिंग हो रही है, सीएफओ की अकाउंट्स मैनेजर में, इसलिए ऐसे कर रहा हूं ताकि आपको पता चले अकाउंट्स मैनेजर का लेवल सीएफओ के सामने जरा छोटा होता है। अच्छा, लेकिन ऐसे हकारत होनी नहीं चाहिए, मैं वैसे जरा बता रहा हूं समझने की। तो अकाउंट्स सीएफओ ने किसको बुलाया हुआ, अकाउंट्स मैनेजर को। कॉन्सिक्वेंटली नतीजा तन, सीएफओ के दिल की चाहत है कि शो अन्य प्रॉफिट। सीएफओ कहता है यार किसी तरह अन्य प्रॉफिट शो कर दे, आतिफ कहते हैं मैं घर से ले आऊं प्रॉफिट, शो अन्य प्रॉफिट एंड हैज आस्क्ड आतिफ, ये आस्क नहीं होता, ये ऑर्डर होता है आस्क, एंड हैज आस्क्ड आतिफ, और आतिफ को कहा है, आतिफ को कहा है, जैसे कभी बड़े कह देते हैं बाहर बताओ मैं अंदर नहीं हूं, तो एंड हैज आस्क्ड आतिफ, और आतिफ नहीं हमारे बड़ों में से, अल्लाह का शुक्र है कोई भी नहीं, एंड हैज आस्क्ड आतिफ, और आतिफ को ये कहा है, अब बचपन से ही सोच रहा होता है, एंड हैज आतिफ और आतिफ को कहा है टू आइडेंटिफाई द एरियाज, आप लोगों ने नहीं करना, टू आइडेंटिफाई द एरियाज, कि ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करें वेयर बुक एडजस्टमेंट्स होती हैं जर्नल एंट्रीज, ऐसे एरिया ढूंढो जहां पे एडजस्टमेंट्स हो सकें। अब घपला जाने के भाई ने, यार की रहे तू, तो ये किधर रहता था तू, तो ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करो जहां घपला हो सके, एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड, ही हैज आल्सो इनफॉर्म्ड यू दैट। और बड़ी एक बात तेरे से और करनी थी, कौन किसको कह रहा है, सीएफओ अकाउंट्स मैनेजर को, बड़ी तेरे से एक और बात करनी थी, अगर हम लिस्ट हो गए ना तो बस फिर हम देख आसमानों पे होंगे, और कम से कम अगर हमारा शेयर की प्राइस 35 पे मार्केट में चली गई ना, तो सारे मैनेजेरियल स्टाफ को, याद रखिएगा ये भी मैनेजर है, सारे मैनेजेरियल स्टाफ को बोनस मिलेगा। बोनस ये नहीं होता अगर रसगुल्ला और गुलाब जामुन कर ले जाओ, बोनस होता है 2-3 लाख रुपया मिलेगा, तो फिर इतने क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। सवाल की रिक्वायरमेंट कल पढ़ ली मेरे ख्याल से, मसला समझ आ गया, चलें ठीक है जाएं।